मैं सब के लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी अच्छू, हमारे गुरुओं ने सिखाई कलरी की परंपरा को आगे ले जाने वाले होनहार बच्चे हैं ये लोग यहाँ। द कलरी बॉयज आर बैक। कहाँ है तुम्हारे हीरे बेटा? मेरी बेटी भी कलरी सीख रही है, बहुत होशियार है वो। हमें भी खुशी होगी उससे मिलकर। लो वो आ गए। हाय लेखा। चलो बच्चों, मैं तुम्हें मेरा कलेक्शन दिखाता हूँ। लेखा अपने पापा से थोड़ी नाराज लग रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। ज्यादा बहक मत जाओ शाम, पापा बिना किसी मतलब ऐसे ही कुछ नहीं करते। कहीं अंकल का सच में कोई खुफिया प्लान तो नहीं है? पता करना पड़ेगा। देखो ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए, मेरी बेटी को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए, समझे? अच्छा किया, अब मेरी बात मानो तो पालन भैया को भी इसकी भनक मत लगने दो। लेखा का शक सही था, अंकल किसी प्लान से आए हैं। कोई गड़बड़ करने आए हैं बीनू, तुम्हारी तो आदत हो गई है बिना वजह शक करने की। अच्छू अंकल ये छुपा रहे थे? दी, शायद ये लेखा के लिए है। प्लीज लेखा को मत बताना। उसके लिए सरप्राइज है। लेखा का सरप्राइज सीक्रेट ही रखेंगे अंकल, प्रॉमिस। एक हाथी गिफ्ट करने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अच्छू। पालन मैं तो बस ये हाथी। पर वो है कहाँ? लेखा को तुम्हारे वक्त की जरूरत है, महंगे तोहफों की नहीं। बस भी करो गोलू। कितनी मस्ती करोगे। यानी तुम पहले से ही जानती थी? पापा की तो आदत है मुझे महंगे महंगे तोहफे देकर खुश करने की कोशिश करना, पर उन्हें क्या पता कि मुझे क्या चाहिए। लिखा, तुम्हारे पापा तुम्हें उतना ही मिस करते हैं जितना कि तुम उन्हें। वैसे सरप्राइज ये हाथी नहीं, कुछ और ही है। तुम दोनों बदमाशों का ख्याल रखने के लिए मैं अब से यहीं कलरीपुरम में ही रहूंगा। अरे वाह, यानी हमें भी हमारा दोस्त वापस मिल गया। अब तो पार्टी होनी चाहिए। टिकट काट टिकट काट टिकट काट टिकट। नहीं श्याम, ऐसे नहीं, थोड़ा आगे थोड़ा नीचे। हाँ हाँ हाँ, ये शोर कैसा है? ये हाथी तो गुस्से में सब तहस नहस कर रहा है। गुरुजी अब हम क्या करें? वो इसी तरफ आ रहा है, भागो। Ha ha.
इतनी भाग दौड़ के बाद भूख लगी होगी। इस हाथी को क्या हुआ था गुरुजी? और अभी ऐसा कैसे? किसी भी नई जगह आकर जानवर थोड़े बेचैन हो जाते हैं, इसे बस शांत करने की जरूरत थी। वाह, कलरी से ये भी किया जा सकता है। हाँ? मीना, ये पत्ते किस लिए लाई? कल इच्छा पूर्ति त्योहार है। हाँ? ये क्या त्योहार है? ऐसी चीज देखनी चाहिए जिसे तुम पाना चाहते हो। ऐसा करने से वो चीज हमें जल्दी मिल जाती है। सच्ची? तुम्हें उस चीज की या तो ड्राइंग बनानी होगी या फिर मेरी तरह पत्तों से आकृति। तो तय रहा, हम सब पत्तों से अपनी अपनी चीजें बनाएंगे। तो चल फिर, हम दोनों मिलकर ताड़ के पत्ते ले आते हैं। श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। पत्तों को इस तरह फोल्ड कीजिए और ये किया आखिरी फोल्ड और हो गया। गुरुजी, 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 गुरुजी। अरे लगता है कल के त्योहार की जमकर तैयारी हो रही है। पत्तों को कस के मोड़ो और फिर आपस में बांध दो। तुम मेरे बताए तरीके को ध्यान में रखकर कोशिश करो, मुझे यकीन है तुम बना पाओगे। ये प्राणी किस ग्रह से आए हैं? सावधान सिपाहियों, अब मेरा दोस्त आ गया है। अब श्याम और मैं तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, है ना श्याम? श्याम, श्याम। मेरा स्केटबोर्ड। मैं देख रहा हूँ किसी ने मुझसे पूछे बिना ही मेरे पत्ते ले लिए। वो गुरुजी, मैं आपसे पूछने ही आया था, पर आप दिखे नहीं तो मैंने कुछ पत्ते उठा लिए। I'm sorry गुरुजी। लो, ये बेर खाओ, हमें जरूर कोई पेट मिल जाएगा। क्या था? मेरे बेर कहाँ गए? शायद इसे और बेर चाहिए। लगता है इसे बेर बहुत ज्यादा पसंद है। हमें हमारा पेट मिल गया। ओ भैया पालन, क्यों ना एक मुकाबला मेरे साथ भी हो जाए? जरूर वीटा, चलो आओ। Huh?
वाह वीटा, तुम तो बहुत अच्छा सीख रहे हो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम पिताजी। पालन, वीटा, आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सिर्फ मेरी लाठी ही नहीं, कलरी में मेरी सालों की मेहनत का प्रतीक है और अब मैं इसे तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मुझे लगता है इस लाठी को तुम पसंद आओगे। साल की तरह इस साल भी आदर्श नागरिक का सम्मान जाता है पालन जी को। आदर्श नागरिक क्यों भैया पालन, आज खुश तो बहुत होंगे आप। हमेशा की तरह ये सम्मान भी आप ही को जो मिल गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सम्मान, ये ट्रॉफी और अप्पा की जादुई लाठी भी तो आप ही को मिली थी, मुझे नहीं। हाँ? आओ मेरे साथ। बेटा, अगर तुम चाहो तो ये लाठी अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ? तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम, मैं ये लाठी ले जाऊं बस ऐसे ही? हाँ बेटा, ये कोई इनाम नहीं, हमारे पिताजी की याद है। तुम्हारा पूरा हक है इसे अपने पास रखने का। तुम ठीक है, फिर इसे वापस मांगने मत आइएगा। चलो बच्चों। गुरुजी, आपने वो जादुई लाठी इतनी आसानी से गुरु वीटा को कैसे ले जाने दी? जादुई हथियार खुद तय करते हैं उन्हें कहाँ रहना है। बीनू, वो लाठी अपनी सही जगह ढूंढ ही लेगी। ओहो, बेचारों को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है पानी भरने में, पर अब कोई फिक्र नहीं, वीटा जो आ गया है। भागा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे नहीं, मुझे वहाँ ऊपर तक चढ़ना है गुरुजी की तरह। कितना मजा आएगा ना? हमेशा की तरह। बस अभी झगड़ा शुरू होगा और धाएं से नीचे। तुम नीचे खड़े रहो, मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ता हूँ। मैं ऊपर चढ़ूंगी, तुम नीचे रहो। नहीं तुम, नहीं तुम, तीन, नहीं तुम, तुम, नहीं तुम, नीचे रहो। एक। बच्चा कंपनी, देखो और सीखो। शाम कितना ऊपर पहुंच गया? अच्छी बात है, मगर इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा क्यों? अब सेल्फी लेगा तो बैलेंस तो बिगड़ेगा ही ना। Oh!
ओहो, मेरे ख्याल से एक और कोशिश में कोई हर्ज नहीं। एक और बार? मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? तो बीनू जी, कल के मुकाबले की तैयारी हो गई? हाँ हो गई, यानी थोड़ी बहुत। बिल्ली हटाओ इसे यहाँ से। इसका डर निकालने के लिए कुछ करना होगा। तो प्यारे बड़े भैया, मेरे होनहार स्टूडेंट्स का सामना करने इन नमूनों को लाए हो। राका। सही कहा छोटे, नमूने तो हैं ये, मगर कौन कहता है कि नमूने कलरी में अच्छे नहीं हो सकते? इतना घमंड, देखते हैं। इसके दांत तो गए। चीटा कहीं के? निकलने का एक ही रास्ता है, इन्हें रिंग से बाहर निकालना। उस लड़के से भले ही हार जाओ, मगर डर को जीतने मत देना, याद रहे। ये मेरी चुनौती है, मुझे ही इसे हराना होगा। तुम जाओ। शाबाश बीनू, बीनू, ये हम जीत गए। कमाल किया तुमने। मैं हूँ राजकुमारी बाला। बचपन से अपने आसपास कलरीपयटू के गौरवपूर्ण खेल देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ, और आज मैं पिताजी से कह कर रहूंगी कि मुझे भी कलरीपयटू सीखना है। हा, 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 हा।
बेटी कहो, हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? महाराज की तरह क्यों नहीं दिख रहे? अरे लोगों को क्या पता महाराज कैसे दिखते थे, इसलिए मैंने थोड़ी छूट ले ली। पिताजी मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? तुम राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। आज के जमाने में ऐसे कौन सोचता है? चाचा जी मैं बाला आपसे कुछ मांगने आई हूँ। आओ बाला। मेरे पिता मुझे कलरी पयट्टू सीखने से रोक रहे हैं, क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। कड़े अभ्यास के बाद मैं राजकुमारी बाला कलरी में माहिर हो ही गई, पर ये मैं कभी नहीं कर पाती अगर यहाँ राजकुमारी बाला अपने चाचा को धन्यवाद देगी और उसके पिता देखते रह जाएंगे। अगर मेरे गुरु मेरे चाचा मेरा साथ नहीं देते और अगर मेरे पिता मुझे इस राह पर नहीं भेजते, इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद चाचा जी। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे, वाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी नकल करते हो? अरे अम्मी, उन्नी, ये क्या हुआ तुम्हें? इतने सारे बाल। ये पूंछ कहाँ से आ गई? नहीं मीना, घबराओ मत, मुझे बताओ क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? क्या हुआ मीना, ऐसा क्या है उस सुरंग में? कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है, उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हत्याना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। पर इस कहानी का इनसे क्या लेना देना? इन्हें ठीक करने के लिए उसी जड़ी बूटी की जरूरत है, पर वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। हम ये दरवाजा छोड़ देंगे। बल्कि वो दरवाजा जादू से बंद है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है, अब सोचो मत, जाओ। बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो।
हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। ये क्या छोटे बच्चों की तरह फूल तोड़ रहे हो? राका, बंदर तो ये खेल जीत सकता है, पर क्या तुम इसे जीत सकते हो? कितनी हिम्मत की तुम्हारा मजाक उड़ा? अभी दिखाता हूँ कौन बंदर है और कौन से गंदर। लेटेस्ट मॉडल है। ये फूल तो बर्फ से भी ठंडे हैं, पर मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। नहीं। बीनू ने मुझे धक्का मारा। नहीं गुरुजी, मैंने इसे धक्का नहीं मारा। बीनू सही कह रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने धक्का मारा। राका को ये मोच तुम्हारे साथ खेलते वक्त आई है, तो इसीलिए अब तुम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे हमारे गुरुकुल ले चलो। आराम से, कुछ नहीं हुआ है। ओवर एक्टिंग का भंडार। बच्चों, राका हमारा मेहमान है, ध्यान रहे। बीनू, शाम, मेरे पैर तो दबाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। और मेरा तकिया कहाँ है? राका, तुम्हारा पैर कैसा आया? तो ये सब एक्टिंग थी। गुरुजी हमेशा कहते हैं गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पीछे आओ। राका, हम सोच रहे थे तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे होगे, तो क्यों ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो, क्या सोचा तुम लोगों ने? क्यों ना हम यहाँ ठंडे फूलों वाला गेम खेले, जो जीतेगा उसे शाम का फोन मिलेगा। बहुत अच्छे, हम तैयार। उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? बीनू अपने हमेशा के पैतरे से वार करने वाला है। लगता है तुम बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। मेरे स्टूडेंट ने पालन के स्टूडेंट को हराया। वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना, मुझे जीतने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। पर तुम्हें बीनू की मदद की जरूरत पड़ी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम जीते नहीं, पर बीनू जानबूझकर हारा है। हा? पर मैंने तो मदद नहीं मांगी थी ना। जो जो भी हो, मैं ऐसे ही जीत सकता था। लेखा, गुरु पालन और मेरे दोस्तों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर उन्हें तो पता चल गया। तो बीनू, वो गुरुजी आप ही ने कहा था ना, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बीनू। राका, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगा। आप यहाँ कैसे? मैं अपने छोटे भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आपको मेरा जन्मदिन याद है?